हेलो गाइस, आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपने कार के एसी वेंट्स को किस तरीके से क्लीन कर सकते हैं। एक्चुअली कुछ लोग वीडियो में शो करते हैं कि हम लोग एक हमारा कूलिंग कॉइल, एसी की जो कूलिंग कॉइल होती है उसको क्लीन करने के लिए स्प्रे आता है, उसको हम एसी वेंट्स के अंदर में पुट ऑन करते हैं एंड स्प्रे करते हैं एंड फिर फॉर्म आता है, वो हमारा एसी वेंट्स को क्लीन कर देता है। वो भी तरीका ठीक है, लेकिन उसके अंदर में क्या है, 100% श्योरिटी नहीं होती है कि आपकी जो वेंट्स है वो क्लीन हो चुके हैं। तो उसके लिए एक आपको एक बहुत ही अच्छा तरीका दिखाऊंगा कि इस तरीके से आप अपनी कार के एसी वेंट्स को खुद क्लीन कर सकते हैं, वो भी बिना किसी स्पेशल टूल की हेल्प से। हम क्या करेंगे, अपने एसी वेंट्स को निकालेंगे कार से एंड उसको अंदर जा करके अच्छे से वॉश करके क्लीन करेंगे, जिससे कि हमारे जो एसी वेंट्स हैं वो क्लीन हो जाए एंड जो कोई डर्ट है या फिर कोई स्मेल है वो कार के अंदर हमारे वेंट्स में ना रहे। तो चलिए आपको दिखाता हूँ अब मैं। सो गाइस, ये देखिए जो एसी वेंट्स है, ये एक ये है, दो ये, एक्चुअली दो मैं क्लीन कर चुका हूँ, आपको पास से भी दिखाता हूँ, फिर मैं आपको दिखा दूंगा इसको किस तरीके से ओपन करेंगे। एंड एक हमारा एसी वेंट ही, तो आपको दिखाता हूँ इसमें डस्ट कितना है। ये देखिए कितना डस्ट है। ठीक है, एंड ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मैं क्लीन कर चुका हूँ, इधर देखिए इसमें किसी भी तरीके का डस्ट नहीं है। तो मैं ये वाला आपको अभी ओपन करके दिखाता हूँ। सो गाइस, सबसे पहले हम अपने इस ग्लव बॉक्स को निकालेंगे। यहाँ पे एक पिन होती है, वो भी दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये है, इसको हम हटाएंगे इस तरीके से और यहाँ से इसको हम पुल करेंगे तरीके से। सो ये हमारा नीचे चला गया है एंड मैं आपको अंदर दिखाता हूँ कि इसको किस तरीके से हटाएंगे बिना किसी टूल की हेल्प से। सो ये देखिए आप, एक आपको ये पॉइंट दिख रहा होगा, इसको अंदर की तरफ प्रेस करेंगे एंड एक आपको ये दिख रहा होगा, ये वाला एंड एक इधर ये साइड में भी है, ये एंड ये एंड ये, इन सबको हमें अंदर की तरफ पुश करना है, मीन्स जिससे कि हमारा जो ये है ये बाहर आ सके। ये देखिए, दो को पुश करते हैं, अब बाहर की तरफ से दिखा। ये देखिए, ये साइड यहाँ से आ चुका है, इसके बाद कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप सिंपली इसको इस तरीके से करेंगे कि बाहर आ जाएगा एंड आपको ये देखिए ये सी वेंट ये बाहर आ चुका है। डस्ट देखिए आप, देख रहे डस्ट, ये देखिए ये काफ़ी ज़्यादा डस्ट इसके ऊपर चिपक चुकी है। तो इसको हम अंदर ले जा करके क्लीन करेंगे एंड आपको वेंट दिखाता हूँ अभी, यहाँ से कैसा देख रहे हैं आप। तो इसको हम क्लीन करेंगे, इसको क्लीन करने के लिए एक कॉटन क्लॉथ लीजिए एंड इसको अंदर तक डालिए एक सिरे को। आप किसी भी चीज़ की हेल्प ले सकते हैं इसको अंदर तक पुश करने के लिए। इसको इतना अंदर पुश किया एंड इसको अच्छे से रोटेट कर देंगे जहाँ तक आपका हाथ जाता है वहाँ तक एंड इसके बाद में ये देखिए। सो अब देखिए, मैं इसको क्लीन कर चुका हूँ अंदर तक, इसको मैं क्लीन कर चुका हूँ, वहाँ तक मेरा हाथ नहीं गया एंड इस टाइम पे मेरे पास में कुछ अवेलेबल नहीं है, जैसे कोई स्टिक हो या फिर कुछ लंबी रॉड जिसे मैं डाल के कपड़े के साथ में क्लीन कर सकूँ, लेकिन आप कर सकते हैं इसको। एंड बाकी इसमें मैंने सैनिटाइज़र स्प्रे का यूज़ किया है जिससे डिसइंफेक्टेंट भी हो सके। सो इस तरीके से आपने इस कार के अंदर के वेंट को तो क्लीन कर लिया है, आपको ये वाला दिखाता हूँ इसको किस तरीके से आप ओपन कर सकते हैं। सेंटर वाला कंसोल है जो ये फेस है, इसको निकालने के लिए हमें टूल की रिक्वायरमेंट होगी, इसके लिए आप स्क्रू ड्राइवर का यूज़ ना करें, वो काफ़ी शार्प होता है, इसके लिए मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ। आप इसकी जगह किसी क्रेडिट कार्ड का यूज़ कर सकते हैं, वो एक बेटर ऑप्शन है, अगर कोई ख़राब क्रेडिट कार्ड हो तो उससे आपकी कार के अंदर कोई नुकसान नहीं होगा। इसको आप इसको हल्का सा इधर अंदर की तरफ पुश करना है एंड इसको हल्का सा यूँ बस, इसके बाद में इसको आप यूँ करेंगे तो ये आपके वेंट्स
इजीली बाहर आ जाएंगे। मैं अभी एक हाथ से वीडियो शूट कर रहा हूँ तो इसलिए इस तरीके से निकाल पा रहा हूँ। यहाँ पे आपको क्लिप नज़र आएगी, इस क्लिप को हटाना है आपको, क्लॉक की क्लिप है, इसको पुश करेंगे आप, ये बाहर आ जाएंगे। सो इस तरीके से आप अपने इवेंट्स को भी क्लीन कर सकते हैं, ये एंड ये वाले इवेंट्स को मैं क्लीन कर चुका हूँ मैंने, एंड मैं इनको भी अंदर ले जा करके, घर में अंदर ले जा करके क्लीन कर चुका हूँ। ये देखिए आप, इनमें बिल्कुल भी डस्ट नहीं है इस टाइम पे, ये देखिए। सो इसको वापस फिट करते हैं। तो सिंपली फिट करने के लिए आपको इसको पहले यहाँ से पुश करना है, इसको यहाँ से पुश करेंगे, इसके बाद इसको यहाँ से पुश करेंगे, इसके बाद यहाँ से पुश करेंगे, तो ये देखिए ये अच्छी तरीके से फिट हो चुका है। सो आपको अब राइट हैंड साइड का निकाल के दिखाता हूँ। आपको ये राइट हैंड साइड का वेंट निकालने के लिए अपने पहले तो इस फ्यूज़ बॉक्स को यहाँ से रिमूव करना होगा, जिससे कि आप यहाँ से अपने हाथ को डाल करके इसको निकाल सकें। अंदर स्पेस काफ़ी कम है तो मैं दूसरी क्लिप ऐड कर देता हूँ। ये देखिए आप, जो हमारा राइट वेंट है ये भी बाहर आ चुका है, एंड इसमें आप डस्ट देखिए एक बार, ठीक, इसमें भी कितना डस्ट है, ये देखिए। तो इसको भी आप ठीक उसी तरीके से क्लीन कर सकते हैं। अब देखिए तो इसको हमें क्लीन करना है, इसको भी ठीक कपड़े से क्लीन करने का, तो इसके ऊपर में हम हैंड सैनिटाइज़र या डिसइनफेक्टेंट को स्प्रे करेंगे ताकि ये डिसइनफेक्टेंट हो सके। सो ये देखिए मैं इसको क्लीन कर चुका हूँ। जो अब हमने वेंट्स निकाले थे, ये वाला वेंट एंड वो लेफ्ट हैंड साइड का वेंट, ये वाला वेंट, इन दोनों वेंट को अंदर ले जा करके अच्छे से क्लीन करके फिर आपको दिखाता हूँ मैं। सो इसको मैं अंदर ला चुका हूँ, अंदर लाने के बाद इसके हम इस वाले वेंट को ओपन करेंगे। ये चार स्क्रू हैं, एक दो एंड दो स्क्रू इसमें इधर है, तो इनको हम ओपन कर लेते हैं। सो अब देखिए, सो देखिए अब मैंने इसके दो स्क्रू इसके एंड दो स्क्रू इसके, चारों स्क्रू को ओपन कर लिया, एंड अब ये देखिए ये जो लॉक है इसको हमें आपस में दबाना है एंड फिर इसको पुल करना है। एक हाथ से मैं वीडियो बना नहीं पा रहा हूँ तो निकाल के फिर दिखाता हूँ आपको। ये देखिए मैं निकाल चुका हूँ, एंड जो ये था इनको आपस में प्रेस करके इस तरीके से प्रेस करेंगे हम, फिर इसको हमें ऊपर की तरफ निकालना था, सेम इसको करना है। सो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके आउटर रिंग को निकालेंगे। इसको निकालने के लिए यहाँ पे आपको लॉक दिख रहा होगा, इसको इस तरीके से करना है, फिर इसको इस तरीके से करना है, एंड लास्ट में हमारी रिंग आ चुकी है। अब बचा हमारा इवेंट, आपको ये दिख रहा होगा, अब पास से दिखाता हूँ तो ये निकल जाता है। अब इसके बाद में हम अनलॉक करेंगे इसको, देखेंगे तो आपको यहाँ पर इस ठीक इसके इधर लॉक दिखा देगा, उसको आप पुश करेंगे इस तरीके से जैसे मैं कर रहा हूँ तो ये बाहर आ जाएगा। ये देखिए ये बाहर आ चुका है हमारा, एंड बचा अब ये, तो इसको हमें निकालना है तो आप निकाल सकते हैं इस तरीके से, नहीं निकालना चाहें अब ये ऐसे भी क्लीन हो सकता है, तो इसको हम ऐसे ही क्लीन करेंगे। सो आप लोग ध्यान से देखिए इन दोनों में डिफरेंस, इसको मैं वाटर से और सोप से क्लीन कर चुका हूँ, ठीक है, और इसको देखिए आप। सो देखिए एक लाइट दिखा के, सो देखिए इसको मैं क्लीन कर चुका हूँ अच्छे से, एंड इसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर चुका हूँ। आप चाहे तो इसको इस तरीके से वॉश कर सकते हैं, अगर ये आपसे क्लीन नहीं होता है तो सिंपली आपको करना क्या है, ये आपको दिख रहा है,
सिंपली आपको यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर को इंसर्ट करना है एंड इसको इस तरीके से आप निकाल करके भी क्लीन कर सकते हैं। इस वाले को क्लीन कर चुका हूँ, ठीक। अब इसको वापस से असेंबल कर देंगे हम। इसके ऊपर में इसकी जो रिंग है इसको वापस से इंसर्ट कर देते हैं। ये हमारा रेडी हो चुका है, ठीक। इसी तरीके से आप दूसरे वाले को भी लगा सकते हैं। यहाँ से भी अच्छे से क्लीन हो चुका है ये वाला भी, तरीके से लगा रहा हूँ। ये राइट हैंड साइड का था, इस तरह से लगा था। तो इसके अंदर में हमें ये वाला वेंट फिट करना है, दोनों वेंट इस तरीके से फिट करना है हमें कि जो इसका ये पोर्शन है ये ऊपर की तरफ जाए, मीन्स यू। अब देखते हैं इसमें ये वाला फिट नहीं होगा, इसमें फिट होगा। ये देख, ये दो स्क्रू इधर मैच हो जाएंगे एंड ये ऊपर की तरफ भी है। सो ये इधर राइट हैंड साइड का है, इसको पुश कर देंगे, पुश हो गया। इसके बाद में इसके दो स्क्रू थे उन्हें वापस से टाइट कर देंगे। दोनों वेंट को अच्छे से टाइट कर लेंगे, ज़्यादा टाइट नहीं करना है बिकॉज प्लास्टिक के इसके जो स्क्रू टाइट करते हैं प्लास्टिक के होल्डर्स हैं तो टूट जाएंगे। तो इसको देखिए, तो हमने अच्छे से कर लिया। सेम हम इस वाले पोर्शन में करेंगे, ये इस तरीके से गाड़ी में लेफ्ट साइड लगा होता है। सो गाइस, हम कार के अंदर आ चुके हैं। तो अब हम सबसे पहले अपने इस वाले पार्ट को फिट करते हैं। इसको हमें फिट करने के लिए कुछ नहीं करना है, सिंपल हमें हैंड इसको फिट कर देंगे। सो आपको दिख भी रहा होगा कि अंदर से कितना क्लीन है। सो इसको बंद कर देते हैं एंड अब लेफ्ट साइड में आपको दिखाता हूँ मैं। तो अब लेफ्ट साइड का भी हमें सेम तरीके से इंसर्ट करना है एंड अंदर सिर्फ हमें यहाँ से पहले लेफ्ट हैंड साइड से पुश करना है, इसके बाद राइट की तरफ हमें पुश करते जाना है। ये देखिए, तो आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से हम अपनी कार के एसी वेंट्स को निकाल करके घर में अच्छे तरीके से पानी से, सोप से या फिर हैंड सैनिटाइजर वगैरह या डिसइंफेक्टेंट जो भी होता है उसको अच्छे तरीके से हम किस तरीके से क्लीन कर सकते हैं ताकि जो हमारे एसी वेंट्स है वो प्रॉपर एकदम डिसइंफेक्टेंट एंड हमको क्लीन एयर हमको मिल सके उससे और जो जितना डर्ट है वो जा सके। सो होपफुली आपको अच्छा लगा होगा कि किस तरीके से हम खुद से घर में बिना किसी स्पेशल टूल की हेल्प से ही अपने कार के एसी वेंट्स को ठीक कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई फ्री टाइम है एंड आपका लगता है कि आप घर में खुद ये कर सकते हैं तो आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। एंड इसके बाद में एक ज़रूरी बात ये कि आप अपने कार के एसी के कैबिन फिल्टर को टाइम टू टाइम चेंज करते रहिए एंड उसको क्लीन करते रहिए। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, हो सके तो सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अपनी अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।